हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से लर्न टू ड्राइव। मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं लर्न टू ड्राइव। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक ये होने वाला है कि हम अपनी स्टीयरिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी स्टेयरिंग होती है, ठीक है? और आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें आप जान सकते हैं कैसे आपको इंडिकेटर कंट्रोल करने हैं और वाइपर से कंट्रोल आप उसमें जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी स्टेयरिंग है। हमको इसको पहले हम जानते हैं कैसे इसको हमको होल्ड करके रखना है। सबसे पहली बात तो स्टेयरिंग ये आपकी रहती है इस टाइप से। आपको इसको होल्ड कुछ इस तरीके से करना है और आपका ये जो थंब है ये इसके ऊपर रहेगा, ऐसे ये इसके ऊपर रहेगा, ये रेस्ट पोजीशन पर रहेगा और ये आपकी उंगलियां ऐसे रहेंगी और ये वाली इधर वाली भी इधर रहेंगी ताकि आप ऐसे इंडिकेटर को कंट्रोल कर सकें ऐसे करके, ठीक है? तो चलिए अब आपको हम चला के भी दिखाते हैं। सबसे पहले आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपको ये 9:15 की पोजीशन है। आप अगर क्लॉक में देखेंगे, ये देखिए जैसे क्लॉक है ये, इसमें 9:15 की पोजीशन ये रही ना, एकदम स्ट्रेट एक लाइन टाइप, देखिए। तो ऐसे ही आपको पकड़ना है इसको। और जब हाईवे पे आप ड्राइव करते हैं या लॉन्ग रूट पे तो आपको कुछ ऐसे 10:10 की पोजीशन पकड़ना है, मतलब 10:10 पे ऐसे पकड़ना है। तो चलिए अब स्टार्ट करके आपको कुछ टर्न लेके बताते हैं। ये गाड़ी चल रही है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जैसे टर्न आ रहा है, ठीक है? आपको कभी भी ऐसे ऐसे नहीं मोड़ना, तो ऐसे ऐसे मोड़ना आप ये, फिर ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे। तो चलिए पहले रोड पे चलते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं। ये देखिए ऐसे मोड़ना है, ये आपको इंडिकेटर भी देना है साथ में, ये मत भूलिएगा। चल ऐसे ऐसे इसको छोड़ देंगे तो आपकी सीधी हो जाएगी। आप देखिए ये देखिए, फिर एक हल्का सा टर्न, ये देखिए ये मोड़ा, ये ऐसे पकड़ा, ये ऐसे करा, फिर ये ऐसे करके अपने आप सीधी हो जाएगी, ठीक है? तो फिर ऐसे करना, ऐसे करना, फिर बहुत ही आसान है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। चलिए फिर रोड पर चलते हैं, यहाँ की थोड़ी रोड सही है। देखते रहेंगे अच्छे से, ये आपको
आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बगल में घंटा को भी दबा दीजिए।